जय हिंद दोस्तों, भारत इंडिया टाइम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाले समय में हम आपके कमेंट के आधार पर वीडियो की और कंटेंट की क्वालिटी में सुधार करें। दोस्तों, पिछले 10 दिन से हम के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर इस समय जो हो रहा है वह पूरी तरह से एक तमाशा ही है। बिकॉज उसका कारण यह है कि वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स के द्वारा धरना प्रदर्शन या प्रोटेस्ट किया जा रहा है फीस बढ़ोतरी को लेकर के, वह केवल और केवल एक तमाशा ही है। राजनीतिक तमाशा यूं कहूंगा, क्योंकि राजनीतिक तमाशा मैं इसलिए बोलूंगा या यूं कहूं जेएनयू प्रशासन ने किया क्या है, 10 रुपए महीने में जो आपको सिंगल बेड मिलता था अब आपको उसको 10 रुपए रोज किराया देना पड़ेगा, और 20 रुपए महीने में जो आपको डबल बेड मिलता था उसको अब आपको 20 रुपए रोज के हिसाब से, यानी 300 रुपया सिंगल बेड पर मंथ, 600 रुपया डबल बेड पर मंथ की अब आपको उस हिसाब से रूम का रेंट देना पड़ेगा और यूटिलिटीज के बिल देने पड़ेंगे। बेसिकली पिछले कुछ दिनों से जेएनयू स्टूडेंट की तरफ से अभद्रता का प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका यह है कहना है कि हम लोग फीस बढ़ोतरी के खिलाफ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि 100 में से 40 बच्चे हैं जो कि गरीब परिवारों से आते हैं, और वो लोग दूसरी महंगी यूनिवर्सिटीज में, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, वहां की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में पढ़ते हैं। और यहाँ पे भी अगर वो फीस इंक्रीज हो जाएगी तो वो 40 लोग यानी कि 100 में से 40 लोग यानी 40% लोग कहाँ जाके स्टडी करें। अगर तो बात उन 40 लोगों की पढ़ाई की है तो यहाँ पे सरकार को भी कुछ कार्य करने चाहिए, जैसे कि उन 40% लोगों के लिए सरकार या तो सब्सिडी लेके आए नंबर एक, या उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जाए, या फिर तीसरी ऐसी कोई स्कीम लेके आई जाए ताकि इन 40% लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके, जैसे कि फिलहाल अब तक जेएनयू में होता आ रहा। दूसरी बात, बाकी रहे 60% लोगों को क्या तकलीफ है जो अफोर्ड कर सकते हैं। आप दिल्ली शहर में अगर आप एक रिक्शे वाला कमरा किराए पे लेता है तो 2,500 से 3,000 रुपए कम से कम आपको एक रूम का रेंट देना पड़ता, आप लोगों को क्या तकलीफ है। दूसरी बात, आप लोगों की वजह से जो दिल्ली की आम जनता को जेएनयू यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास के एरिया में जितनी भी कॉलोनीज हैं वहां पे जो लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है उसका जिम्मेदार कौन है। जेएनयू स्टूडेंट्स की तरफ से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से जो सड़कें ब्लॉक की जा रही हैं, जो धारा 144 लगाई जा रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। स्टूडेंट की तरफ से जो मीडिया रिपोर्ट करने आने वाली मीडिया रिपोर्टर्स हैं, विशेष करके जो फीमेल मीडिया रिपोर्टर्स हैं, उनके साथ जिस तरह की बदसलूकी बदतमीजी की जाती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और साथ ही साथ बेसिकली यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को तो मेरे हिसाब से बंद ही कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए नहीं आते, वो राजनीतिक फायदों के लिए आते हैं कि हम यहाँ पे भर्ती हो जाएं किसी तरह से, किसी ना किसी छात्र संघ से जुड़ जाएं और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहें। नहीं तो आप एक दोस्तों बेसिकली आप मेरे को बताइए, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, मास्टर्स के बाद पीएचडी, तकरीबन यही क्रम में आप लोग पढ़ाई करते हैं, इसमें करने में कोई बुरी बात नहीं है, पर मेरे को एक बात बता दीजिए, अफ्रीकन कल्चर स्टडीज का भारत से क्या लेना देना, या इस तरह के बेतुके कोर्सों में ये जो तकरीबन जितने भी अपना बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स वो बैठ करके इस तरह के फालतू के कोर्स करते हैं जिनका ना तो इनके अपने निजी जीवन में किसी तरह का कोई महत्व है, ना ही इनके परिवार के जीवन में इस तरह की किसी शिक्षा का लेना देना है, ना ही इनके आसपास के सामाजिक क्षेत्र का और राज्य और देश का। बेसिकली जिस तरह की वर्थलेस एजुकेशन करते हैं उसके लिए क्या लेना देना। कन्हैया कुमार जी कहते हैं कि जी अफ्रीकन कल्चर के ऊपर एजुकेशन करने से भारत सरकार की पॉलिसियां मेंटेन होती हैं। मेरे को सिर्फ एक चीज बता दीजिए, अफ्रीकन कल्चर से भारत सरकार को मिलने वाला क्या है। कहते हैं ना, काम के ना काज के दुश्मन अनाज, शब्द को सुनिएगा अच्छे से, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के वो बेसिकली जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं। क्यों है, अब इसको सुनिए, जिनको अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है वो लोग मास्टर्स के ऊपर के कोर्सों में जेएनयू में एडमिशन ले। उसके बाद जिनके परिवार वाले कहते हैं कि बेटा अब तुम पढ़ लिख चुके हो तो कोई काम धंधा कर लो, कोई नौकरी कर लो, ताकि जिससे परिवार को आर्थिक रूप से किसी तरह की कोई सहायता प्राप्त हो सके, तो ये लोग अपनी हायर एजुकेशन के नाम पर वहां से एक तो अपने परिवार वालों से पैसा ठगते हैं, ऐंठते हैं, और दूसरा यहाँ पे बैठ करके कुछ नहीं कर। जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं तकरीबन उसमें 30%
फीसदी से 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स या पीएचडी को अधिकतम से तकरीबन 1.5 से 2 गुना समय लेते हैं उसको पूरा करने। और इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनता के टैक्स के पैसे को ये लोग यहाँ बैठ के बर्बाद कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि अपना 60% जो कि कहते हैं कि जो 40% गरीबी रेखा के अंदर आते हैं या अपनी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उनके कंधे पे अपनी बंदूक रख करके चल रहे हैं। जो लोग वाकई गरीब हैं, जिनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उनके समर्थन में हम पूरी तरह से, बिकॉज कहीं ना कहीं शिक्षा का ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वह एक नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल होनी चाहिए, शिक्षा का व्यापार नहीं होना। परंतु ये भी नहीं होना चाहिए कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जानबूझ करके अपना दूसरे का हक मारने के लिए उस कोटा वाली लाइन में जाकर के खड़े हो जाएं, यह नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी नहीं होना चाहिए कि सरकार जब कोई पॉलिसी बनाए तब वह यह देखे बिल्कुल अच्छे से कि वहां पे क्या रेशो है। अगर 40% बच्चे जो अपनी शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका सामर्थ्य नहीं है, उसको सरकार स्कॉलरशिप, सब्सिडी या कोई तीसरा ऐसा प्रोग्राम दे ताकि उनकी मुफ्त शिक्षा जो फिलहाल इस समय जेएनयू में चल रही है वो चलती रहे। इसके साथ साथ एक चीज और, इनका फीस बढ़ोतरी का तो एक बहाना है, इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जिनके ऊपर मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा। जेएनयू कैंपस के अंदर बने हुए हॉस्टल के अंदर डिफरेंट जेंडर मूवमेंट भी है, यानी कि आप मेल हॉस्टल में रहते हैं, आप रात को तकरीबन 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद आपके कमरे में कोई लड़की आकर के पूरी रात व्यतीत करती है, तब ये लोग कह देते हैं कि ये लोग तो पढ़ने आए थे। तो पढ़ने के लिए तो भाई जेएनयू कैंपस इतना खुला है, बड़ा है, लाइब्रेरी सारी सारी रात खुली रहती है, तो वहां आप लोग क्यों नहीं पढ़ लेते? लड़का लड़की बैठ के अगर एक साथ एजुकेशन करना चाहते तो कमरे में, बंद कमरे में ही क्यों? लड़कों के हॉस्टल्स में लड़कियां और लड़कियों के हॉस्टल्स में लड़के, जो रात को कमरों के अंदर डिफरेंट जेंडर मूवमेंट होता है जेएनयू के हॉस्टल्स में, उसको रोकना चाहता है प्रशासन, यानी कि लड़के के हॉस्टल में लड़की और लड़की के हॉस्टल में लड़का, इसलिए उन्होंने गाइडलाइन लगाई है हॉस्टल से रिलेटेड संबंधित, वो इनके सबसे ज्यादा तकलीफ देने लायक इन लोगों को। लास्ट बट द नॉट लीस्ट एक चीज और कहूं, जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं जनता के लिए भी तकलीफदायक हैं, अपने माता पिता के लिए भी तकलीफदायक हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता यह सोचते हैं कि हमने अपना बच्चा पढ़ने भेजा है, पढ़ के आएगा तो कोई अच्छी नौकरी लगेगा या कोई व्यापार करेगा जिससे परिवार को सहायता प्राप्त। परंतु ये वो लोग हैं जो जानबूझ के 40% जिनको जरूरत है पढ़ाई के, मुफ्त शिक्षा की, यह 60% लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वह जानबूझ करके कोटे की लाइन में लग रहे हैं। इन लोगों की वजह से वो लोग भी पिस रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग बिल्कुल यूं कहिए मुफ्त खोर हैं, और साथ ही साथ ये वो स्टूडेंट्स हैं जो जीवन में कुछ नहीं करना चाहते, यह चाहते हैं कि इनके बाप भाई माता पिता कमा करके इनको खिलाते रहें और ये यहाँ बैठ के मुफ्त में राजनीतिक अपना रोटियां सेकते रहें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।